बसमरमी ये है वो आयत जो हर किसी को आपकी मोहब्बत में फ़ौरी मुबला कर दे असल नाज़्रन क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम में एक ऐसी ज़बरदस्त आयत मुबारक मौजूद है जो हर किसी को आप की महब्बत में फ़ौरी मुब्तला करने की खासियत रखती है इस आयत की बदौलत ना सिर्फ़ ख़वात शोहर को अपनी मुहबत में दीवाना कर सकती हैं बल्कि ससुराल में भी हमेशा राज करें यह ऐसी आयत है दुश्मन भी आपकी दिल से इज़्ज़त करने पर मजबूर होगा और आपका नुकसान करने का ख्याल ही दिल से निकाल देगा अगर आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार आपसे नाराज़ है या किसी गलत फहमी का शिकार हो चुका है जिसकी वजह आप से आपसे मिलना तो दूर की बात है आपको देखना भी नहीं चाहता लेकिन आपको उससे मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि उसके दिल में भी आपकी उतनी ही मोहब्बत और चाहत पैदा हो जाए जितनी आपको है तो इस आयत से उसके दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा करना कोई मुश्किल बात ही नहीं है अगर कोई लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं और निकाह का इरादा रखते हैं लेकिन वालदेन रजामंद नहीं है या फिर जात पात का मसला है तो इस मामले में भी यही आयत मुबारक क्या ही कमाल की रूहानी तासीर रखती है इसकी बदौलत आप हर इंसान से अपनी कोई भी जायज़ बात मनवा सकते हैं नाजरीन अब हम आपको बताते हैं के बेहदो हिसाब रूहानी खसूसियात की हामिल वो आयत मुबारक कौन सी है तो नाज़रीन वो आयत मुबारक है सुरह यूसुफ़ की आयत नंबर तीस जो हम आपसे शेयर भी कर रहे हैं बिस्मिल्लर कद शगा फ़ाहा हब्बा और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है नाजरीन वैसे तो इस आयत मुबारक को आप बतौर वजीफ़ा रोज़ाना ग्यारह मरतबा अव्ल आखिर ग्यारह बार द्रुद पाक के हमर तलावत कर सकते हैं लेकिन हमारे बारह साल का तजर्बा और मुशाहिदा ये बताता है कि मोहब्बत जब भी नफ़रत में बदलती है उसकी वजह कहीं ना कहीं ऐसे हास दीन होते हैं जो रिश्तों में गलत फहमी डालकर या नज़र बद के जरिए या जादू टूने और शैतानी अमलियात करवा के मोहब्बत पर मबनी रिश्तों को तोड़ते हैं इसलिए जिन अफराद के इस मसले की वजह रूहानी हो यानी जादू या नज़र बद वग़ैरह तो उनको इसी आयत मुबारक का नक्श दिया जाता है जो कि माहरीन रूहानियात की ज़िर निगरानी ख़ास में तैयार किया गया है जिसकी दोहरी रूहानी तसीीर है यानी हर किस्म के बद असरा को ख़त्म करना और दिलों की बदगुमानी और नफ़रत को ऐसी मोहब्बत में बदलना जो कोई भी हासिल किसी भी शैतानी वार से या अपनी चालों से कभी ख़त्म ना कर पाए मोहब्बत का यह नक्श हर उस इंसान की ज़रूरत है जो अपनी खोई हुई मुहबत को वापस पाना चाहे मोहब्बत का यह नक्श आप हमारे रूहानी सेंटर से बतौर चौदह सौ रुपये हदिया या फिर अहद के जरिए फीस बिलीला हासिल कर सकते हैं नक्श मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रबता क़ायम करें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़